इस वीडियो में हम GHI और उनसे बनने वाली चीजों को आपस में मिलाएंगे। सबसे पहले इस तरफ आएं, मुझे बताएं ये क्या है? स्मॉल जी, स्मॉल जी। अब सामने दी हुई तस्वीर में से आपने ये देखना है कि कौन सी पिक्चर जी से स्टार्ट होती है और फिर हम उस तस्वीर को जी से मिला देंगे। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आएं, ये क्या है? हैट, हैट यानी टोपी। लेकिन हैट तो जी से स्टार्ट नहीं होती। चले हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, ये क्या है? इंक, इंक यानी स्याही। लेकिन इंक भी जी से शुरू नहीं होती। चले हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, ये क्या है? गोट, गोट यानी बकरी। और गोट किससे बनती है? जी से, यानी कि हम स्मॉल जी को गोट से मिलाएंगे। चले हम स्मॉल जी को गोट से मिलाते हैं। हमने स्मॉल जी को गोट से मिला दिया। चले अब हम अगले लेटर की तरफ चलते हैं, ये बताइए ये क्या है? स्मॉल एच, स्मॉल एच। अब हमने सामने दी हुई तस्वीर में से देखना है कि स्मॉल एच से कौन सी तस्वीर बनती है। सबसे पहली तस्वीर की तरफ आए, ये है हैट, हैट यानी टोपी। और हैट किससे बनती है? एच से, यानी कि हम स्मॉल एच को हैट से मिलाएंगे। चले हम इनको आपस में मिलाते हैं। हमने स्मॉल एच को हैट से मिला दिया। चले अब हम अगले लेटर की तरफ चलते हैं, ये क्या है? आई, स्मॉल आई। अब हमने सामने दीवी तस्वीर में देखना है कि स्मॉल आई से कौन सी चीज बनती है। सबसे पहली तस्वीर तो हैट की है, जो हम पहले ही एच से मिला चुके हैं। चले अगली तस्वीर की तरफ आए, ये बताइए ये क्या है? इंक, इंक यानी स्याही। और इंक किस लेटर से स्टार्ट होती है? आई से, इंक बनती है आई से। चले हम आई को इंक से मिला देते हैं। हमने आई को इंक से मिला दिया। हमारी ये मश्क मुकम्मल हो गई है। चले अब हम अगली मश्क की तरफ चलते हैं। अपने सामने स्क्रीन्स पर देखें, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तस्वीर नजर आ रही होंगी। उन तस्वीर के नीचे जी एच और आई लिखा है। आपने इन तस्वीर को देखना है और फिर ये बताना है कि वो तस्वीर किस लेटर से शुरू हो रही है। चले हम सबसे पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं, ये बताइए ये क्या है? गोट, गोट यानी बकरी। और गोट किस लेटर से शुरू होती है? नीचे दिए हुए लेटर्स में से देख के बताएं। इस लेटर से। और ये लेटर कौन सा है? स्मॉल जी। चले हम स्मॉल जी को सर्कल करते हैं या इसके गिर्द एक दायरा लगाते हैं। जी गोट, गोट यानी बकरी। चले अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं, ये बताइए ये क्या है? इंक, इंक यानी स्याही। और इंक किस लेटर से शुरू होती है? नीचे दिए हुए लेटर्स को देख के बताइए। इस लेटर से, बिल्कुल ठीक। और ये लेटर है कौन सा? स्मॉल आई। चले हम स्मॉल आई के गिर्द दायरा लगाते हैं। आई, इंक, इंक यानी स्याही।
चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ आते हैं। ये बताइए ये क्या है? हैट, हैट यानी टोपी। नीचे दिए हुए लेटर्स को देखें और ये बताइए कि हैट किस लेटर से बनती है? इस लेटर से। और ये लेटर कौन सा है? स्मॉल एच। स्मॉल एच। चले हम स्मॉल एच के गिर्द दायरा लगाते हैं। एच हैट, हैट यानी टोपी। चले अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये क्या है? इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े। और इंसेक्ट्स किस लेटर से शुरू होते हैं? इस लेटर से। और ये लेटर कौन सा है? स्मॉल आई, स्मॉल आई। चले हम स्मॉल आई के गिर्द दायरा लगाते हैं। आई इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकौड़े। चले अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये बताएं ये क्या है? हेन, हेन यानी मुर्गी। और हेन किस लेटर से शुरू होती है? नीचे दिए हुए तीन लेटर्स को देख के बताएं। इस लेटर से। और ये लेटर कौन सा है? स्मॉल एच, स्मॉल एच। चले हम स्मॉल एच के गिर्द दायरा लगाते हैं। एच हेन, हेन यानी मुर्गी। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये बताइए ये क्या है? गेट, गेट यानी दाखिली दरवाजा। चलें अब मुझे ये बताइए कि गेट किस लेटर से शुरू होता है? नीचे दिए हुए लेटर्स को देखें। इस लेटर से। और ये लेटर कौन सा है? स्मॉल जी, स्मॉल जी। चले हम स्मॉल जी के गिर्द दायरा लगाते हैं। जी गेट, गेट यानी दाखिली दरवाजा। हमारी ये मश्क भी मुकम्मल हो गई है। चले अब हम अगली मश्क की तरफ चलते हैं। अपने सामने स्क्रीन्स पर देखें, आपको कुछ तस्वीर नजर आ रही होंगी और उन तस्वीर के सामने एक लाइन लगी हुई है। आपने इन तस्वीर को देखकर बताना है कि ये किस लेटर से शुरू होती हैं और फिर हम दी हुई लाइन पर वो लेटर लिखेंगे। सबसे पहली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? गेट, गेट यानी दाखिली दरवाजा। और गेट किस लेटर से शुरू होता है? जी से। यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल जी। चलें हम स्मॉल जी लिखते हैं। ये है स्मॉल जी। जी गेट, गेट यानी दाखिली दरवाजा। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये बताएं ये क्या है? हैट, हैट यानी टोपी। और हैट किस लेटर से बनती है? एच से। यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल एच। चले हम स्मॉल एच लिखते हैं। ये है स्मॉल एच। एच हैट, हैट यानी टोपी। चले अगली तस्वीर की तरफ आए और ये बताइए ये क्या है? इंक, इंक यानी स्याही। और इंक किस लेटर से शुरू होता है? आई से। यानी हम सामने वाली लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल आई। चले हम स्मॉल आई लिखते हैं। ये है स्मॉल।
इंक यानी स्याही। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? हेन। हेन यानी मुर्गी। और हेन किस लेटर से शुरू होती है? स्मॉल एच से। यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल एच। चलें हम स्मॉल एच लिखते हैं। ये है स्मॉल एच। एच हेन। हेन यानी मुर्गी। चलें अगली तस्वीर की तरफ आइए। ये बताएं ये क्या है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। और इंसेक्ट्स किस लेटर से शुरू होते हैं? आई से। यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल आई। चलें हम स्मॉल आई लिखते हैं। ये है स्मॉल आई। आई इंसेक्ट। इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? गोट। गोट यानी बकरी। और गोट किस लेटर से शुरू होती है? जी से। यानी हम सामने दी हुई लाइन पर क्या लिखेंगे? स्मॉल जी। चलें हम स्मॉल जी लिखते हैं। ये है स्मॉल जी। जी गोट। गोट यानी बकरी। इस वीडियो में हमने क्या सीखा? जी एच आई की मुख्तलिफ मशकें, जिससे हमारी इन लेटर्स की पहचान और अच्छी हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन लेटर्स की पहचान और अच्छे से हो जाए, तो आप इस वीडियो को दोबारा